हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अदिति है और आप देख रहे हो अदितिज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ काजू कतली, जो कि सबकी फेवरेट होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए जानें इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं जार में काजू डालूंगी और इसे पीस लूंगी। ये देखिए पीस गया है, अब इसे छान लूंगी। इससे कुछ भी अगर टुकड़ा रह भी गया होगा तो उसे निकाल देंगे और अच्छे से छन जाएगा ये। अब ये छन गया है देखिए। अब इसको मैं साइड में रख दूंगी। मैं कढ़ाई में 1 कप ब्राउन शुगर और 1/2 कप पानी लूंगी। आज मैं ब्राउन शुगर से ही चाशनी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे चाशनी एक तार वाली रखनी है। ये देखिए हो गई हमारी तैयार। अब मैं इसमें पाउडर डाल दूंगी कैशू का और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि हम ये स्मूथ एक पेस्ट बना सकें इसका। अब मैं 1 चम्मच घी डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छे से मिलाएंगे नहीं तो ये कढ़ाई में लग सकता है। अब मैं इलायची पाउडर डालूंगी 1/2 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब मैंने 1 प्लेट में थोड़ा सा घी लगा के रखा है और अब सारा पेस्ट मैं इसमें डाल दूंगी। अब ये पेस्ट को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। आपके पास बटर पेपर हो तो ठीक है। मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने ये पन्नी लेके इसमें अच्छा सा एक डो तैयार कर दिया है। ये देखिए अब मैं इसको रोल कर रही हूँ। जैसे रोटी बनाते हैं वैसे इसको भी हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा, मीडियम साइज में रखना है इसको। ये देखिए बन के तैयार है हमारा। इसकी पन्नी हटा दूँगी। अब मैं इसको कट करूंगी। ये देखिए और हमारी बनके तैयार है काजू कतली। ये देखिए कितना सुंदर शेप आया है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।